फ्रेंड्स, हमने जेल कर दिया है पूरा फेस, पूरा ड्राई हो चुका है, अब्जॉर्ब हो चुका है जेल। अब मैं क्रीम दे रही हूँ। अब क्रीम के साथ साथ मैं आपको स्टेप्स भी समझा रही हूँ कि कैसे करना है। अभी तक मैंने नहीं समझा है, ठीक है, अब मैं समझा रही हूँ, उसको भी ध्यान से देखिएगा। हम क्रीम्स को पहले अप्लाई करते हैं नेक पर भी, देन चीक से हमें शुरू करना है राउंड राउंड करते हुए, फिर अपर लिप्स पे जाना है हमें, ज़िगज़ैग करना है नोज पे राउंड सर्कल्स, फिर फोरहेड पे राउंड सर्कल्स, देन साइड में प्रेशर। ये हमारे क्रीम मिक्स करने के स्टेप्स हैं फ्रेंड्स। अब हम स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें स्टेप जो स्टार्ट करने हैं वो नेक से करने हैं। राउंड राउंड करते हुए हमें शोल्डर्स पे आना है, देन प्रेशर देना है 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर हमें यहाँ से करते हुए जाना है, इसको हमें 2 से 3 बार करना है, फिर यहाँ पर प्रेशर देना है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिर उसके हमें नेक पे आना है, नेक पे से मार्च करना है, देन फिंगर से हम अपनी चार, अपने हाथ की चार फिंगर्स हैं तो 8 फिंगर से हमें 1 बाई 1 ऊपर की तरफ स्ट्रेप्स को चलाना है। उसके बाद हमें रबिंग करनी है 3 फिंगर से सिर्फ नेक के ऊपर, रबिंग के बाद हमें चेन एरिया, ये चेन एरिया है हमारा, इसको ऊपर की तरफ पुश करना है, लिफ्ट करना है। इसे ऊपर की तरफ स्टेप्स को क्यों करना है, क्योंकि इसे कभी भी डबल चेन नहीं होती, किसी का डबल चेन का है प्रॉब्लम्स तो वो भी मेल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमारी चर्बी इकट्ठी होती है तो वो डबल चेन हो जाती है, ये वाला स्टेप्स करने से वो मेल्ट होती है। तो हमें ऊपर की तरफ इसको पुश करना है, थोड़ा प्रेशर देना है, और ये स्टेप्स हमें फिंगर के टिप से ही करना है। उसके बाद हमें अपने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए चीक्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और थोड़ा प्रेशर यूज करना है। इससे हमारी फेस लिफ्टिंग के स्टेप्स हैं ये, हमारी स्किन टाइट होती है, चीक्स बोन हमारी ऊपर की तरफ निकल कर आती है नेचुरल। इस स्टेप को भी 3 से 4 बार करना है। उसके बाद हमें जो लाइन पे दोनों फिंगर्स को, दोनों हाथ के दोनों फिंगर्स को आगे पीछे की तरफ चलाना है, और जो लाइंस इन फिंगर्स के बीच में होनी चाहिए। हमें लेफ्ट ईयर से राइट ईयर, राइट ईयर से लेफ्ट ईयर, पूरे जो लाइंस पे करना है इस काम को, और लाइटली प्रेशर रखना है, ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है। इसका नेक्स्ट स्टेप हमारा दोनों फिंगर से चिन को बीच में लेना है और उसे प्रेस करते हुए शेप में रखना है, देन साइड्स में जाके जो लाइंस के एक्स में प्रेशर देना है 2 फिंगर से। चलिए फ्रेंड्स, फिर से बता रही हूँ, इसको प्रेस करते हुए यहाँ प्रेशर देना है। उसके बाद बिना हाथ उठाए हमें लिप्स पर आना है, हमें यहाँ से लिप्स पे आना है, 1 फिंगर से ऊपर से नीचे की तरफ ज़िगज़ैग करना है। हमारा ज़िगज़ैग इतना बड़ा होना चाहिए कि हमारे लिप्स पर फिंगर टच ना हो और नोज़ के अंदर भी फिंगर्स ना जाए। थोड़ा केयरफुली काम करना है, हल्का सा प्रेशर रखना है। अब लिप्स के कॉर्नर्स पे, जो है कॉर्नर्स हैं, इन पर हमें क्लोज एंटी क्लोज करना है। फिर उसके बाद हमें 8 बनाना है प्रेशर से। लिप्स कॉर्नर्स पर प्रेशर देने से, स्ट्रेप्स करने से हमारी लाफिंग लाइंस को बहुत हेल्प मिलती है और अपेयर होती है। फिर हमें पुश करना है ऊपर की तरफ, और जब हम सारा दिन बोलते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा ये साइड्स बहुत पेन करता है, बट हमें फील नहीं होता, वो रेस्टलेस होता है, बट जब हम ये मसाज करते हैं तो बहुत रिलैक्स फील होता है। ठीक है, उसके बाद हाँ,
अपर लिप्स के बाद अब हम नोज पर आएंगे बिना हाथ उठाए. नोज पे आना है ऐसे क्लोज एंटी क्लोज, थोड़ा प्रेशर रखना है. कोशिश करें कि नोज में अगर आपने कुछ नोज पिन पहना है तो इसको रिमूव कर दें कि थोड़ा आपको दिक्कत ना हो. क्लोज एंटी क्लोज करना है नोज की साइड्स पर. फिर नीचे साइड्स पर हमें थोड़ा प्रेशर से स्ट्रेटली चलाना है. नोज के नीचे वन बाई वन करना है. नोज के ऊपर हमें ऐसे फिंगर से करना है अपनी सभी फिंगर से. फिर नोज के कॉर्नर में फिंगर साइड से रब. आईज के कॉर्नर्स में प्रेशर देना है सिर्फ सेकंड फिंगर से. इसके बाद हमें फोरहेड के सेंटर में प्रेशर देके आईब्रोज पे प्रेशर देना है रिलैक्स पॉइंट के लिए. अब हमें चीक्स पे आना है. चीक्स पे राउंड राउंड हमारा तीन फिंगर से होगा. हमारे तीन फिंगर्स बड़ा सर्कल लेना है. फिर उसके बाद हमें इस हाथ को अपने राइट हैंड को लेफ्ट की साइड ले जाना है और वन बाई वन ऊपर की तरफ पुश करना है. फिर इस तरफ से लेफ्ट से राइट पर आना है और ऊपर की तरफ लेफ्ट करना है. फिर जिगज़ैग दो फिंगर से दोनों चीक्स पे करना है हमें इसको. फिर हमें अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ पुश करना है चीक्स. और हल्का सा प्रेशर भी देना है. इसको भी चार से पांच बार करना है. फिर राउंड सर्कल में आना है. लाइट प्रेशर रखना है नोज के पास जाते हुए आइस पे भी प्रेशर देन आईब्रोज पे प्रेशर. अब हमें आइस पे करना है. आइस पे हमें ऊपर से नीचे की तरफ सर्कल लेना है पूरा राउंड तीन से चार बार. अब हमें इसको क्रॉस करना है एट बनाना है. फिर हमें नीचे की तरफ थंब पे प्रेस करना है आइस की बोन को. इससे हमारे डार्क सर्कल्स दूर होते हैं हमारे आइस को रिलैक्स मिलता है. फिर हमें आइस को क्लोज करना है फिंगर से थोड़ा प्रेस करके छोड़ना है. फिर प्रेस करना है फिर स्लोली छोड़ना है फिर प्रेस. आपको ये चार से पांच बार करना है. उसके बाद आपको लास्ट आईब्रोज पे प्रेशर देना है. अब हमें आईब्रोज को पिंचिंग की तरह प्रेस करना है. दोनों फिंगर के बीच में आईब्रोज को रखते हुए प्रेस करना है. आईब्रोज के एंड पे एट बनाना है रिलैक्स के लिए. रिलैक्स के लिए एट बनाना है. उसको नीचे की तरफ पुश करना है. फिर हमें वन बाई वन फोरहेड पे करना है फिंगर से. फिर दोनों फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करना है दोनों हाथों के फिंगर्स को. फिर राउंड सेंटर से साइड्स पर प्रेशर देना. प्रेशर को दो से तीन बार दे सकते हैं. इससे हमारी फाइन लाइंस दूर होती हैं और रिलैक्सेशन भी मिलता है. यहाँ पुश किया हमने लास्ट. अब इसके बाद हमें अपने पाम यूज करना है. पाम से चीक्स को पूरी तरह पुश करना है टाइटली.
देन नेट बनाते हुए फिर का इसका फॉरवर्ड से कनेक्शन देगा है। मतलब नीचे से करेंगे फिर से ऐसे राउंड सर्कल्स लेते हुए ऊपर की तरफ पुश होते हुए नेक पे राउंड हल्का सा प्रेशर रखना है, फिर चेक्स पे राउंड, देन नेट करते हुए फॉरवर्ड के साइड्स पे प्रेशर। ये हमारा पूरा सर्कल हुआ। इसी सर्कल्स को हम दोबारा से रिपीट करेंगे क्योंकि हमारी जो फेशियल्स की मसाज क्रीम की मसाज है उसको हमें 10 से 15 मिनट करना होता है, तो 15 मिनट में दो स्टेप्स हमारे जरूर होते हैं, पूरे दो राउंड होते हैं, तो हमें दो राउंड्स लेने हैं पूरे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्रीम की पूरी मर्ची कर ली, अच्छे से ऑब्जर्व कर दिए। इसके बाद हम एकदम कोल्ड, अभी जैसे कि वेदर जब गर्म होता है, सॉरी जब हमारे समर्स चल रहे हैं, तो हम कोल्ड वाटर लेंगे उसमें टिश्यू को डिप करेंगे, और जब हमारा विंटर्स मौसम है तो हम हॉट वाटर में उसको डिप करके ऐसे टिश्यूज को रखेंगे। अब हम कोल्ड टॉवल क्यों रख रहे हैं फेस पर, तो उसके बारे में बता देते हैं। जब हम मसाज कर रहे होते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत हाई लेवल पे हो जाता है, देन हमारी जो हथेलियाँ हैं पाम वो गर्म होके हीट होती हैं। तो फेशियल का जो मेन टॉपिक होता है या मेन असर जो होता है वो हॉट एंड कोल्ड थेरेपीज होती है। फेशियल की जो थेरेपीज है वो हॉट एंड कोल्ड है। जब हम हॉट कर रहे हैं तो उसके बाद हमें कोल्ड करना ज़रूरी है स्किन को। जब हम हॉट एंड कोल्ड की थेरेपी लेके चलते हैं तभी हमारे फेशियल के रिजल्ट अच्छे से मिलते हैं। तो हमने मसाज के टाइम पर हमारी स्किन एकदम हीटेड हो गई थी और हाथ भी हमारे हीटेड थे, अब हम उसको कोल्ड कर रहे हैं। हम जो स्किन को तेजिस कर रहे थे अब उसको हमें काम भी करना है, तो काम करने के लिए हमने इसको कोल्ड टॉवर को रखा है। इसको हमें 2 से 3 मिनट रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। और इससे दूसरा बेनिफिट ये होता है कि जो पोर्स हमने क्लिनजर से खोले थे, स्क्रब से क्लीन किए थे, फिर जेल और मॉइस्चराइज क्रीम से हमने मॉइस्चराइजिंग की थी पोर्स को, अब उन्हें हमें क्लोज भी करना होता है पैक से। तो उससे पहले अगर हम कोल्ड टॉवल रखते हैं तो वो श्रिंक होते हैं, तो हमारे पैक से वो और जल्दी फिल हो जाएंगे, तो वो क्लोज हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगे, जिससे उसमें डस्ट ना जा सके। ठीक है गाइस, तो फेशियल का ये मेन मोटिव होता है पोर्स को ओपन करना, उन्हें क्लीन करना और फिर क्लोज करना उन्हें। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम उसको रिमूव करेंगे। एक्स्ट्रा जो क्रीम है उसको हम क्लीन आउट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, फेस ड्राई होने के बाद हमें पैक यूज करना है, हमारा लास्ट स्टेप है ये 5th नंबर का। पैक को हम फिंगर से या ब्रश से भी यूज कर सकते हैं, और पैक की डायरेक्शन हम ऊपर की तरफ लेंगे। हम फेस पैक को यूज करते हैं तो सारे स्ट्रोक्स हम ऊपर की तरफ लेंगे। नोज को हम नीचे की तरफ करेंगे, फोरहेड पे हाफ राइट साइड में और हाफ लेफ्ट साइड में। बाकी पैक हम नीचे की तरफ लगाएंगे नेक पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम 15 मिनट्स वेट करेंगे इसका ड्राई होने का। 15 मिनट तक हमें वेट करना है कि पूरा ड्राई होगा, फिर हम इसको रिमूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स 15 मिनट्स हो गए हैं कि पूरा ड्राई हो चुका है। ठीक है, हमारे हाथ में नहीं जाना है, पूरा ड्राई हो चुका है, अब हमें इसको रिमूव करना है। तो रिमूव करने का तरीका, पहले हम अपने हाथों को गीला करेंगे, फेस को गीला करेंगे, फेस को खुले काटेंगे और फिर हल्का सा राउंड राउंड घुमाएंगे और इसको मार्च करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका पैक अच्छे से रिमूव हो जाएगा और ज़्यादा स्ट्रेच भी नहीं आएगा स्किन पर, क्योंकि हमने अभी उसको रिलैक्स मोड पर डाला हुआ था स्किन को,
तो अगर हम ज़्यादा ही टाइट हाथ से क्लीन करेंगे इसको या मेहनत करेंगे उतारने से, तो हमारी स्किन पे स्ट्रेच होगा ज़्यादा, तो इसलिए हम उसको मेल्ट करेंगे ऐसे वाटर के साथ और हम उसे रिमूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्लीन कर दिया है, अब हम लास्ट स्टेप्स कर रहे हैं। इसका लास्ट स्टेप्स है मॉइस्चराइजर SPF, इसको सिर्फ हम अप्लाई करेंगे, इसके हम मसाज नहीं देंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपको फेशियल पूरा बताया है, स्टेप भी बताए हैं, स्टेप के बारे में समझाया है कौन सा स्टेप्स क्या करता है, आपको अपने प्रेशर पॉइंट्स भी बताए हैं। अगर फिर भी आपको कहीं कोई प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप उससे पूछ सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ आया हो। थैंक यू गाइस, बाय।